हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैमर क्वीन। और गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर पर किस तरीके से चारकोल से स्क्रब, फेस पैक और टोनर बना सकते हैं। और गाइस, ये तीनों ही चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है हमारी स्किन के लिए। और गाइस, मार्केट में ज्यादातर हर प्रोडक्ट में चारकोल का यूज होता ही है। और गाइस, साथ ही साथ चारकोल से बने भी मार्केट में स्क्रब, फेस पैक और फेस वॉश अवेलेबल है। सो गाइस, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ होममेड फेस पैक और स्क्रब, साथ ही साथ टोनर शेयर कर दूं, ताकि आप घर पर ही इजीली, ज़्यादा इन्वेस्ट ना किए बिना आप इजीली घर पर बना सकें। और गाइस, चारकोल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन पे। अगर ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, स्किन को अगर हम फेयर बनाना चाहते हैं, ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, सो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सन रेज की वजह से, पोल्यूशन की वजह से हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई, डल हो जाती है, तो उसे भी ठीक करता है। सो गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। सो गाइस, सबसे पहले आपको चारकोल की कुछ टैबलेट्स लेनी है। और गाइस, मार्केट में आपको इजीली चारकोल की टैबलेट्स मिल जाएगी और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आपको 10 या 20 रुपये में आराम से मिल जाएगी। किसी भी मार्केट से आप जाके ले सकते हैं। सो गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको उसका पाउडर बनाना है। अगर आपके पास पाउडर पहले से ही मार्केट से आप लाए हैं तो आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप टैबलेट से भी घर पर इजीली पाउडर बना सकते हैं। सो गाइस, देखिए इस तरीके से आपको पाउडर बनाना है। सो गाइस, देखिए पाउडर मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप चारकोल से स्क्रब किस तरीके से घर पर इजीली बना सकते हैं। सो गाइस, स्क्रब बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक क्लीन बोल लेना है और उसके बाद आपको इसमें 1 टीस्पून सूजी ऐड करनी है, यानी रवा। उसके बाद आप इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है 1 टीस्पून चारकोल पाउडर। और लास्ट इंग्रेडिएंट मैं जो उसमें ऐड करूंगी वो है 2 टीस्पून रॉ मिल्क, यानी कच्चा दूध। गाइस, उसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सो गाइस, चारकोल स्क्रब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर हमारी स्किन पर ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, डेड स्किन की प्रॉब्लम है, तो काफ़ी अच्छे से हमारी जो स्किन है उससे ब्लैक हेड्स ठीक हो जाएंगे, साथ ही साथ डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी और हमारी स्किन ग्लोइंग बनेगी। उसके बाद गाइस, आपको इसे किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, इसको यूज़ करने से पहले आपको अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लेना है, वॉश कर लेना है, और उसके बाद आप इसे धीरे धीरे करके अपने फेस पर अच्छे से स्क्रब कीजिए। सुबह स्क्रब करने से हमारी स्किन पर ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है या डेड स्किन की प्रॉब्लम है तो वो रिमूव हो जाएगी और साथ ही साथ हमारी स्किन में अलग सी शाइन आएगी, ग्लो आएगा। सो गाइस, कम से कम आपको 5 मिनट तक स्क्रब करना है और उसके बाद अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। सो गाइस, मैंने यहाँ पर अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि स्क्रब को यूज़ करने के बाद मेरी स्किन कितनी ज़्यादा शाइन करने लगी है, आपको पहली बारी में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो गाइस, उसके बाद बारी आती है कि हमें चारकोल का फेस पैक किस तरीके से बनाना है। सो गाइस, फेस पैक बनाने के लिए आपको एक क्लीन बोल लेना है और उसमें आप 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी ऐड कर लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आप इसमें ऐड करेंगे वो है 1 टीस्पून चारकोल पाउडर। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून सैंडलवुड पाउडर, यानी चंदन पाउडर। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 2 से 3 चम्मच रोज वाटर। सो गाइस, अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है तो आप नॉर्मल पानी भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सो गाइस, ये फेस पैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चारकोल हमारी स्किन को फेयर बनाने के साथ साथ, अगर हमारी स्किन सन रेज की वजह से, पोल्यूशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा डल हो गई है, ड्राई हो गई है, तो ये हमारी स्किन में अलग सी शाइन लेकर आएगा, साथ ही साथ हमारी स्किन से सारी प्रॉब्लम्स को, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम को, डेड स्किन की प्रॉब्लम को ठीक करेगा। सो गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसे ब्रश की हेल्प से या फिर आप अपने फिंगर्स की हेल्प से भी अपने पूरे फेस पर इसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। सो गाइस, चारकोल हमारी स्किन से एक मैग्नेट का काम करता है। जब हम इसे अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन में डस्ट सब रिमूव हो जाती है।
सो गाइस देखिए, आपको इस तरीके से अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर लेना है और उसके बाद इसे सूखने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना। सो गाइस उसके बाद बारी आती है कि अब हमें चारकोल का टोनर किस तरीके से बनाना है। सो गाइस टोनर बनाने के लिए आपको एक क्लीन बोल लेना है और उसमें कम से कम आप थोड़ा सा रोज वाटर ऐड कर लीजिए। मैंने यहाँ पर एक कप में रोज वाटर डाल लिया है, आपको कम से कम आधा गिलास रोज वाटर ऐड करना है। उसके बाद आप इसमें हाफ टी स्पून चारकोल पाउडर ऐड कर लीजिए और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सो गाइस देखिए इस तरीके का आपको कुछ दिखेगा मिक्स करने के बाद। अब इसे आप स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए या फिर कॉटन बॉल की हेल्प से भी अपने फेस पर इसे अप्लाई कर लीजिए। सो गाइस मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बनाकर दिखा रही हूँ, आप इसे ज़्यादा दिन के लिए भी बनाकर रख सकते हैं। उसके बाद आप इसे कॉटन बॉल की हेल्प से या फिर स्प्रे बॉटल में डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉटन बॉल की हेल्प से इसे डिप करके अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करूँगी। तो गाइस देखिए आपको इस तरीके से अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर लेना है और उसके बाद इसे अपनी स्किन में अब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना। सो गाइस मैंने यहाँ पर अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। सो गाइस ये टोनर फेस पैक स्क्रब बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ होममेड शेयर कर दूं ताकि आप घर पर ही ज़्यादा पैसे ना इन्वेस्ट किए बिना आप इजीली से बना सकें। सो गाइज आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन के लिए। सो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली यूजफुल वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।